जो गौ को हमारी संस्कृति से जोड़े और हमारे बच्चों के लिए रास्ता बनाए ताकि फिर बच्चे विदेश पे निर्भर नहीं रहेंगे। मैं अमेरिका 40 साल रहा हूँ एंड आई रन ए लार्ज मेडिकल प्रैक्टिस सर्जिकल सेंटर्स, और पिछले 3 साल से मैं भारत में आया हूँ। पिछले 5 साल से मैं ध्यान फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा एक सौभाग्य है कि मुझे पता लगा कि योगी अश्विनी गुरु जी ध्यान फाउंडेशन के प्रेरणा स्रोत हैं और दिल्ली में ही रहते हैं। तो 1947 में विषय है, तो लेकिन इससे बड़ा विषय ये है कि जो हमारे कानून हैं उसका जो सपोर्ट हमें मिलना चाहिए वो समाज गवर्नमेंट को प्रेरित करेगा, फिर ध्यान फाउंडेशन इन सभी चुनौतियों के बावजूद वो माफिया से भी लड़ सकती है, मौसम से भी लड़ सकती है, लोग उसको सपोर्ट भी करेंगे। हमारे पास बहुत यंगेस्ट वॉलंटियर्स यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो वो ध्यान फाउंडेशन में है। 20-20 साल के बच्चे 50-50 गांवों को बचा कर लाते हैं, 25-25 साल की लड़कियां 500-500 माफिया को मतलब फेस कर सकती हैं। मंत्री जी तो चले गए लेकिन मेरी 3 मांगे केवल यहाँ पर मैं रखूंगा। पहली मांग कि केवल बातों के बजाय काम से संदेश जाता है। बहुत बढ़िया। और इसलिए आपकी सरकार, क्योंकि आप सांसद हैं, मंत्री जी चले गए तो मैं आपके सामने मांग रख रहा हूं। हाँ तो इसलिए मैं मांग रख रहा हूं कि हिंदुस्तान 75वां वर्ष मना रहा है और सेंट्रल विस्टा पर कई लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, तो वहां पर बनने वाले इतने बड़े प्रोजेक्ट में एक गौशाला बने तभी सही संदेश जाएगा। अगर वो अगर कहीं और न बने तो कम से कम वहां जो प्रधानमंत्री जी का आवास बन रहा है उस आवास में ये बने तो इससे बहुत बड़ा संदेश जाएगा। भाषण ज्यादा देने की जरूरत नहीं, ये एक बड़ा संदेश होता है और इसलिए ये मांग मैं करता हूँ, राजेंद्र जी पहुंचाएंगे आशा करता हूँ। साथ में हम गौ सेवकों को तो फिर भी बहुत सम्मान देते हैं, सम्मान मिलता है, साथ तो मंत्री भी स्टेज शेयर कर लेते हैं, सांसद भी कर लेते हैं, मीडिया भी कर लेता है, लेकिन गौ रक्षकों को अपराधी के खलनायक के कैटेगरी में रख के उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। मुझे लगता है कि गौ रक्षक अगर नहीं है तो गौ सेवा भी संभव नहीं है और इसलिए गौ रक्षकों के लिए क्या विचार हो सकता है, उनका इंश्योरेंस हो सकता है उनके लिए और हम कोई पहचान पत्र दे सकते हैं, ऐसे अन्य अन्य विषयों पर भी चर्चा करने की जरूरत है। गौ माता पर्यावरण का भी समाधान है, विश्व की जो सारी समस्या है आप सब इसके जानकार है, बस मैं उल्लेख करना चाहूंगा। परिवार का भी समाधान है क्योंकि आजकल माँ बाप को कोई संभालता नहीं है, लेकिन जो गाय को संभालेगा, गाय का पालन करेगा, वो अपने माँ बाप को कभी भी अनाथ आश्रम में वृद्धाश्रम में नहीं रख सकता। इसके परिवार की समस्याओं का समाधान है, जो गाय से अपना नाता नहीं तोड़ेगा अपने पत्नी से कैसे तोड़ेगा, इसलिए डायवोर्स जैसे आजकल जो बड़ी समस्या है उसका भी समाधान है। रोजगार की दिशा में क्योंकि आजकल रोजगार पर बहुत चर्चा होती है, लेकिन रोजगार पर अगर कोई कहता है कि गाय भी रोजगार का बड़ा समाधान है तो उस व्यक्ति के पीछे सारा मीडिया लग जाता है, कहता है कि देखो 21वीं सदी में 2022 में फलाने मुख्यमंत्री ने कह दिया कि गाय सबसे बड़ा रोजगार दे सकती है। आपको याद होगा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कहा था, 2 दिन सारा मीडिया उनके पीछे पड़ा रहा और फिर फाइनली उनको माफी मांगनी पड़ी। मैं कहता हूं कि किसी को ऐसे प्रोपोगंडा से डरने की जरूरत नहीं। मैं मानता हूं आज हमारी साक्षरता की व्याख्या क्या है, हमारे यहाँ रामडी देवी भी साक्षर है, पता है ना आपको, जिनको अपना हस्ताक्षर करने में 52 सेकंड लगते हैं। तो अगर किसी को अपना हस्ताक्षर आता है तो साक्षर है ऐसा हम मानते हैं, ऐसी साक्षरता रोजगार दे सकती है क्या, दे सकती है क्या? जब यहाँ डिग्री और मास्टर किए हुए लोग बेरोजगार हैं तो वहां पर आपकी केवल हस्ताक्षर वाली साक्षरता जिसका लक्ष्य आप अगर 20 साल बाद पूरा करने वाले वो तो रोजगार नहीं दे सकती। तो ठीक है ना, अगर गाय से भी अगर लोगों का पेट भरता है तो ये भी सबसे बड़ा रोजगार हो सकता है। और जो आजकल छोटे छोटे उद्योगों के लिए बैंकों के द्वारा कर्ज दिया जाता है, बहुत अच्छी बात है, मुद्रा जैसी योजना है, तो ये गाय गौ पालन के लिए भी दिया जा सकता है, गौशालाओं के लिए भी दिया जा सकता है, और भूखा मरने से तो अच्छा है कि गौ पालन कर
टाटा रिसर्च कर रिसर्च ये कहता है कि विदर्भ में उन्होंने आत्महत्या होने वाले लोगों का रिसर्च किया तो ये पाया कि वहां पर जिनके घरों में गाय थी उस घर में किसी ने भी आत्महत्या नहीं की थी। तो इसलिए ये रोजगार का भी साधन है, आध्यात्म का तो साधन है ही। हम पशुपालन मंत्रालय के अंदर गौ माता, ये चित्र भी हमको जल्दी बदलना चाहिए और हमारे लिए गौ राष्ट्रीय पशु नहीं, गौ राष्ट्रीय माता है। और इसलिए हमने इस दिशा में भी लोगों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाना जरूरी है। और राजनीति का भी समाधान है, क्योंकि कई लोग राजनीति के बैठे हैं। तो जैसे अगर कोई गौ पालन करेगा राजेंद्र जी, तो ये गारंटी है कि वो बार बार पार्टी में नहीं बदलेगा। तो इसलिए सारे समस्याओं का समाधान जिसमें है वो काम किया जाए। मैं सुदर्शन पर केवल हम बातें नहीं करते, हम समस्या नहीं बताते, समाधान भी देते हैं। और इसलिए सुदर्शन हमेशा ही गाय के लिए काम करने वाले लोगों के साथ खड़ा है। आप सुदर्शन के मुख्यालय में आइए, जिसका नाम मीडिया मंदिर है, उसमें प्रवेश, पहला प्रवेश उद्घाटन के समय में आज के सरकार का आधा से ज्यादा मंत्रिमंडल था, लेकिन उसका उद्घाटन जो हुआ वो गौ माता के प्रवेश से हुआ। और आज भी आप मुख्यालय में आएंगे तो वहां पर गौ माता का पहला दर्शन होगा। तो उसको अपने दैनंदिन जीवन में भी रखना होगा और मुझे लगता है यही इसका सबसे बड़ा उपाय है। मैं पुनः इस पुस्तक के लिए, गौ राष्ट्र के लिए मित्तल जी का अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। मुझे किसी ने कहा, सुरेश जी आप तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये गौ राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा हिंदू राष्ट्र का मतलब ही गौ राष्ट्र होता है। और इसलिए ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने, यही इन सारी समस्याओं का समाधान है। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, उसके लिए धन्यवाद, नमस्कार। ध्रुव अग्रवाल जी कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बार उतार तो जो इन्होंने कहा है, औरों जैसे होकर भी हम बाइज्जत हैं बस्ती में, कुछ लोगों का सिर्फ अपन है, कुछ अपनी आयारी। माननीय मित्तल साहब जनूनी आदमी हैं और जब तक किसी व्यक्ति में जनून ना हो तो काम पूरा नहीं होता है। कल ही मिले थे मुझे और इनका आदेश पालना मुझे बहुत अच्छा लगा। पुस्तक जो विमोचन हुआ है उसमें बहुत सारी बातें गौ माता के विषय में ऐसी हैं जो हर व्यक्ति हर जगह नहीं पाता है। मैं जब आया तो माननीय डॉक्टर रमेश गुप्ता जी बोल रहे थे, मैं उनके घर में गया हूँ अमेरिका में। खाली गौ माता की बात नहीं है, उस परिवार में बच्चे भी धोती पहनते हैं और बच्चे भी रामलीला करते हैं, तीर कमान चलाते हैं। और वातावरण ऐसा है कि भारतीय संस्कृति के लोगों में शायद ही किसी परिवार में ऐसा हो। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है वो यहाँ आए हैं। माननीय सांसद साहब हैं, हम तो इनके बच्चे जैसे हैं। देखिए, सुरेश जी कह रहे थे और वो बात मैं भी कहना चाहता हूँ, व्यक्ति के मन में जो बात हो वही व्यवहार में यदि आए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारा अग्रवाल समाज कहिए या दूसरे लोग, वो बड़े धार्मिक हैं और गौ माता की सेवा के लिए सदा उद्यत रहते हैं। ये बात अलग है कि शहरों में अब गाय को रखा नहीं जाता है सुरेश जी, फिर भी शहरीकृत गांव जितने भी हैं दिल्ली में उनमें छोटे छोटे गाय रखते हैं और मैं उसके पक्ष में हूँ। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद एसपी गुप्ता जी। रे मातिरेक से बहुत ऐसी बातें कह देते हैं जिनको निभाना भी मुश्किल हो जाता है। हमारे सबके आदरणीय श्री योगानंद शास्त्री जी, हमारे आदरणीय श्री गुप्ता जी, आदरणीय टावरी जी, और अभी जिनको हम बहुत बार चैनल्स पर देखते हैं और जिनको देखते ही बिल्कुल हमारी भी छाती थोड़ी और चौड़ी हो जाती है, ऐसे मेजर जनरल बख्शी साहब, हमारे आदरणीय रजनीकांत करेंगे और हमारे सुरेश जी। जी मैं आपका जिक्र कर रहा था, आपकी आपका जो शौर्य है वो वैसे ही बरकरार है आपके व्यक्तित्व के अंदर। जी जी जी। और हमारे आदरणीय मित्र साहब जगदीश मित्र जी, हम सबके बड़े सबको स्नेह करने वाले जोड़ने वाले अभिभावक हैं, और हमारे डॉक्टर एस के मित्तल जी, और यहाँ उपस्थित मंच पर एक दो नाम न बोल पाया हूँ, मंचासीन सभी मेरे बहुत बहुत सम्मानित बंधुगण, और यहाँ सभागार में उपस्थित बहुत ही अत्यंत विशिष्ट विराजमान है सभी मेरे बहुत बहुत आदरणीय बहनों भाई पत्रकार। भारत की लोकसभा की जय। एक और प्रोग्राम का आयोजन करना है लाल किले में, तो मैं वहां जा रहा था तो मुझे बोला कि गौ माता के विषय पे है, तो मैं खिंचा हुआ चला। थैंक यू। ये देखिए गौराष्ट्र, देखिए वेद माता, गौ माता। वेदों में एक टेक्निक है श्लेष और संधि को लेके, जिससे एक ही शब्द के 50 अलग 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 आपको जो मतलब है वो निकल सकते हैं। मैं सीधा सा उदाहरण देता हूँ, जल। जल से आप क्या समझते हैं बताइए? कोई पानी, पीने का पानी, वो जल गया, अब क्या है साहब? उसी जड़ की जल में शीतल जल है और ज्वाला है, वो जला दिया। तो वेद के जो मंत्र हैं उनमें एक बहुत शक्ति है कि जिस तरह आप पानी में पत्थर फेंके तो वो कंसेंट्रिक रिपल आते हैं, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा। तो वेद वाक्य, हर वेद वाक्य में वो ताकत है जो उसको गहन से गहन से गहन से गहन मतलब ले जाता है, जो वैखारी से परापशक्ति माध्यम वैखारी, ये चार पद हैं शब्द के और वाणी के। जो परा शब्द है वो यहाँ हृदय आकाश में जाते हैं, और गूढ़ से गूढ़ सत्य एक ही श्लोक में, कितना आप उसमें से निकाल सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक पहुँचे, आप कहाँ तक पहुँचे। इसी तरह गीता के भी जो उनके अर्थ हैं, जैसे जैसे मेरा जीवन बढ़ता गया है वही श्लोक उसमें से उभर उभर कर नए नए मीनिंग आते हैं, जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो जो गो शब्द है, एक है गौ, दूसरा आप जानते हैं गौ का मतलब है रे ऑफ कॉस्मिक लाइट, जीवन की वो किरण जो कि आती थी जिससे सारा जीवन इस ब्रह्मांड में बना है, वो भी गौ है, वो भी गौ है। और गौ देखिए, जो गौ माता है सीधा साधा घास खाती है, मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं आपको दे, बोले साहब हटाओ काटो इसको, ये दंड है, वो खा के वो आपको दूध देती है, दही देती है, मक्खन देती है, बटर देती है, चीज देती है, अमूल का पूरा कारोबार उससे चल रहा है। और आज अगर हमारे देश में बच्चे, खासकर हमारी बच्चियां, आप जाओ गुजरात में तो 5 फुट 7 इंच की 8 इंच की हमारी बच्चियां और लड़के 6-6 फुट के दिखते, ये है गौ का कमाल, ये है गौ का कमाल। पुष्ट पुष्ट करने वाली वो है हमें, और जो सोम था उसे भी गौ दुग्ध में मिलाकर चढ़ाया जाता था देवताओं।